So hey guys, this is Sumit Pandar and you are watching now my YouTube channel Mr. Dar MP11. So guys, अभी हम आ गए हैं रामेश्वरम. नाइट को निकले थे हम तिरुपति से रात को 9 बजे और अभी हम सुबह आ गए थे 9 बजे रामेश्वरम में. और रामेश्वरम में हमने होटल ले लिया और होटल लेने के बाद अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर दर्शन करने. तो जस्ट पास में ही है मंदिर, तो चलिए चलते हैं मंदिर और मंदिर का व्यू बताता हूँ कैसा है और यहाँ पर क्या क्या है, मोबाइल की सुविधा है या नहीं है, तो सारी जानकारी दूंगा. तो चलिए चलते. सो फ्रेंड, धीरे धीरे चलते चलते आखिरकार मैं आ ही गया द रामेश्वरम मंदिर में. तो ये रामेश्वरम मंदिर और अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं और बताता हूँ यार यहाँ पर क्या क्या सुविधा है, मोबाइल रखना है बाहर या जो भी है, सारी जानकारी देता हूँ. चलिए चलते हैं और देखते हैं अंदर मंदिर का व्यू. सो फ्रेंड, मंदिर के जस्ट अंदर आ गया हूँ मैं गेट से. ये वाला गेट है और गेट से मंदिर के अंदर आया और अब यहाँ से जाएंगे जस्ट अंदर. ठीक है, अंदर चलते हैं मंदिर में. टोकन लेके और लाइन में लगना रहता है. ठीक है, टोकन लेके जस्ट लगे हैं लाइन में जा रहे हैं और अभी तक मोबाइल वोबाइल तो पास में ही है, अभी मोबाइल का कुछ भी नहीं है सीन, बट हाँ टोकन लेके लाइन में लग रहे हैं. अब देखते हैं क्या होता है आगे. सो फ्रेंड, अभी हम आ गए हैं रामेश्वरम में भोजनालय में. ये देख लो कितना बड़ा भोजनालय है और ये भंडारा है और यहाँ पर केले के पत्ते और पानी लगा हुआ है. ये फ्री भोजनालय भंडारा, यहाँ आ सकते हैं आप और भोजन कर सकते हैं. तो अभी यहाँ का भोजन बताता हूँ आपको कैसा आएगा. बाहर से टोकन लेके आप यहाँ पर आ सकते हैं, जस्ट मंदिर के अंदर ही टोकन मिलता है, वो टोकन लेकर आप यहाँ आ सकते हैं और अब यहाँ पर भोजन मिलेगा केले के पत्तों पे. चलिए आपको बताता हूँ यहाँ का स्वादिष्ट भोजन कैसा रहेगा. चलिए मैं ट्राई करता हूँ फिर आपको बताता हूँ कैसा रहेगा एक्सपीरियंस. सो फ्रेंड, ये है दाल और इसके साथ सांभर और दो सब्जी है साथ में, बड़ा टेस्टी खाना है. तो अब मैं इस प्रसाद को टेस्ट करता हूँ और फिर बताता हूँ कैसा है यहाँ का प्रसाद. तो फ्रेंड, अभी हम आ गए हैं मंदिर के जस्ट आगे, यहाँ से है मंदिर और अभी मंदिर में जाएंगे. उसके पहले हम कुंड में नहाने जाते हैं. यहाँ पे 21 कुंड ना, 21 कुंड का पानी है. तो पहले वो 21 कुंड में नहा के आते हैं, वहाँ के जल को स्पर्श करते और फिर उसके बाद जाते हैं मंदिर में और मंदिर के दर्शन करते हैं. चलिए चलते हैं कुंड में और कुंड का मजा लेते हैं. आइए, अभी हम आ गए हैं कुंड में नहाने. जो 21 कुंड का जो पानी है वो यहाँ पर है और जस्ट बॉटल वाटर ले लिए और 25 रुपये यहाँ का चार्ज है, 1 पर्सन 25 रुपये. तो यहाँ का चार्ज है 25 रुपये. तो अभी चलो अंदर चलते हैं और यहाँ का व्यू देखते हैं कैसा है. और इसमें जस्ट मैं पानी ले जाऊँगा संग्रहित करके. टिकट हमने दे दिया है 25 रुपये का टिकट 1 पर्सन के लिए कुंड में नहाने के लिए. और अभी हम जा रहे हैं और चलिए पानी को संग्रहित करेंगे, जल को संग्रहित करेंगे और ले जाएंगे अपने साथ अपने घर पे. तो आप मंदिर से आने से पहले यहाँ पे स्नान ज़रूर करें, ठीक है, और ये जल ज़रूर ले जाएं यहाँ से, क्योंकि यहाँ हर नदी का पानी है. पता है, हर नदी का पानी आपको यहाँ पर मिल जाएगा.
और ये जो कॉरिडोर है ठीक है, ये सबसे बड़ा वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉरिडोर है, इसका मैंने वीडियो बनाया है तो उसे मैं मेंशन करूंगा अभी इसमें ठीक है। तो चलिए चलते आगे चलते हैं और अब स्नान का व्यू बताता हूँ आपको, कुंड का व्यू बताता हूँ आपको, चलिए। अगला कुंड और ऐसे बहुत सारे कुंड है यार और मजा आ रहा है यहाँ पे, जैसे जैसे पानी डलता है ना मजा आता जाता है, सभी को मजा आ रहा है और लास्ट में होंगे दर्शन। और चलिए अभी स्नान कर लेते हैं तो चलते हैं। तो भाई ये जो कुंड वाला जो स्थान है ना बहुत ही भव्य बना हुआ है यार, बहुत ही भव्य और बहुत खूबसूरत बना हुआ है। और जैसे जैसे आगे जा रहे हैं, ये शिवलिंग देखो आप, कितने सारे शिवलिंग हैं ठीक है। जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं बड़ा ही एक्साइटमेंट मूवमेंट है मेरे लिए, बहुत मज़ा आ रहा है। और सारे शिवलिंग हैं यहाँ पर, सारे पूरे 24 शिवलिंग मिलेंगे आपको ठीक है। और अभी चलते आगे फ्रेंड्स, सभी कुंड के पानी से नहाने के बाद अब जा रहे हैं मंदिर में अंदर दर्शन करने। और हो सकता है मोबाइल अलाउड नहीं हो तो मैं लास्ट यहाँ पे अपडेट दे रहा हूँ कि यहाँ से जाएंगे मंदिर में अंदर और बहुत ही भव्य बना हुआ है यार, बहुत भव्य बना हुआ है, आनंद आ गया रामेश्वरम में। और बहुत ही बढ़िया तीर्थ है और सभी नदियों के कुंडों के पानी से स्नान करने के बाद दिल पवित्र हो गया। और देखो यहाँ पे कितने सारे शिवलिंग हैं यार, ये सारे शिवलिंग लगे हुए। तो अभी मैं जा रहा हूँ अंदर और लास्ट अपडेट दे रहा हूँ, अब मैं मंदिर के दर्शन करने के बाद अपडेट दूंगा। चलिए चलता हूँ। मंदिर का कॉरिडोर है सबसे खूबसूरत और सबसे भव्य है और बहुत ही शानदार बना हुआ है यार, बहुत ही शानदार। और क्या वाइब आ रही है यहाँ आके यार, खुश हो गया दिल, बहुत शानदार। क्या नक्काशियाँ यहाँ पे और कितना खूबसूरत है, मजा आ गया। मैं हूँ रामेश्वरम मंदिर में जस्ट अंदर और मंदिर बहुत ही भव्य बना है यार, बहुत भव्य बना हुआ है। और यहाँ पर अंदर वीडियो नहीं बना सकते बॉस, इसीलिए मैं मंदिर के पीछे आकर वीडियो बना रहा हूँ। तो आप यहाँ आइए और दर्शन कीजिए और भगवान राम के और यहाँ पर भगवान शिव के दर्शन कीजिए और उस वक्त पर उन्हें याद कीजिए जब भगवान राम ने जब ये मंदिर बनाया होगा, जब शिवलिंग की स्थापना की हुई थी, उस मोमेंट को आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू एंड बाय।